देन आपके आगे सेकेंड पार्ट है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में साइबर अटैक्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो आपको वायरस का डर रहता है, एक स्पैमिंग का, वेबसाइट कंप्रोमाइज, देन नेटवर्क स्कैनिंग एंड फिशिंग। फिशिंग मीन्स क्या हो गया? मीन्स कोई दूसरा जन आपको ऐसा दिखाएगा कि वो आप हो, एंड देन आपका पासवर्ड को मीन्स एक्वायर, आपका आईडी पासवर्ड एक्वायर कर लेगा। मीन्स अटेम्प्ट टू एक्वायर आईडी पासवर्ड बाय प्रिटेंडिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी। देन वायरस आप सभी को पता ही है, स्पैम, स्पैम आप देखते ही होंगे जीमेल में। देन वेबसाइट कंप्रोमाइज, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का एक बार हुआ था, इन्फोसिस का पूरे एक दिन तक, या फिर आईसीआई का, जैसे आपको पता होगा आईसीआई का नवंबर 16 अटेम्प्ट में जब रिजल्ट निकला था, उस दिन पूरा होल डे आपका साइट वर्क नहीं कर रहा था। सो वेबसाइट कंप्रोमाइज, नेटवर्क स्कैनिंग, फिशिंग, वायरस, स्पैम। देन अदर्स में आपका क्रैकिंग, ईव्स ड्रॉपिंग, ईमेल फॉर्जरी, ईमेल थ्रेड्स, स्कैवेंजिंग। ईमेल फॉर्जरी मीन्स जैसे आप देखोगे कि किसी का आईटी डिपार्टमेंट से कुछ मेल आ गया है रिफंड के लिए, कि आपको रिफंड मिला है, सो काइंडली आप अपने बैंक अकाउंट नंबर ये सब बताइए, बट वो मेल जो रहता है वो आईटी डिपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड, नहीं भेजता है। सो ईमेल फॉर्जरी, ईव्स ड्रॉपिंग, लिसनिंग ऑफ प्राइवेट वॉइस किसी और के सुनना, क्रैकिंग, देन क्रैकिंग यहाँ लिखा है, क्रैकिंग एंड हैकिंग बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। हैकिंग मीन्स हैकिंग इज डन फॉर अ गुड कॉज, हैकिंग इज एंड क्रैकिंग इट इज डन इंटेंशनली। एंड हम लोग जो गवर्नमेंट के पास जो भी हैकर्स ये लोग रहते हैं, सो क्रैकिंग दे आर फॉर गुड। मीन्स अगर आपने कुछ घपला किया तो उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ हैकर्स रखते हैं, तो वो लोग को हैकर्स बोलते हैं। एंड क्रैकिंग मीन्स जो कि मैलिशियस इंटेंशन से जो आप हैक करते हो उसको बोलते हैं क्रैकिंग। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू कमिट साइबर फ्रॉड्स? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इससे कुछ ना कुछ आता ही, एक दो पॉइंट्स आ ही जाता है। सो इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल दे देगा व्हाट इज लॉजिक बम, व्हाट इज DOS। तो इस टाइप से दो दो मार्क्स से क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर 4 मार्क्स से क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें से हर बार 2 क्वेश्चंस तो देता ही है, तो इसके एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो एज आई सेड, हैकिंग इज एन एथिकल हैकिंग, तो क्रैकिंग इंटेंशनल हैकिंग। देन डाटा डिडलिंग, तो डाटा डिडलिंग मीन्स डाटा को बिफोर एंड आफ्टर चेंज कर दिया गया, पहले जो था बाद में जो था चेंज कर दिया। डाटा लीकेज, अनऑथराइज्ड एक यूज़र ने उसे कॉपी कर लिया, या फिर उसे मेल कर दिया अपने मेल आईडी पे, सो इस तरह से, या फिर यूएसबी में ले लिया, प्रिंट आउट ले लिया, सो ये हो गया डाटा लीकेज। डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे मेरा वेबसाइट है, अब एक ही साथ अचानक मैंने उसे मैंने अपने वेबसाइट्स के लिए कुछ उसमें साइज रहता है कि एक टाइम पे आप कितने सारे अपने क्लाइंट्स को आप सर्व कर सकते हो। मेरा ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं, मेरा छोटा सा बिजनेस है, तो मैंने कम साइज़ वाले ले लिया था। अब मुझे पता चला कि जैसे फ्लिपकार्ट का आप देखो, फ्लिपकार्ट का नॉर्मली जो बिजनेस होता है तो वो ऐसे नॉर्मल रहता है। अब सडनली जैसे उसने दिवाली पे कुछ स्कीम निकाला, सो उस डे पे काफ़ी सारे यूज़र्स उस पर एक्सेस करेंगे, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सो उस दिन उसका सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाता है। या फिर इनकम टैक्स का भी अगर आप देखो तो लास्ट डे पे थोड़ा स्लो हो जाता है, सो वो होता है आपका, तो वो तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। बट अगर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सिस्टम उसको संभाल ही ना सके, एंड अगर आप उस पर एक्सेस कर रहे हो तो वो डिनाई कर दें, वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे आप देखोगे इस बार भी टैक्स ऑडिट का जो लास्ट डेट था 31 अक्टूबर, अभी तो एक्सटेंड होकर 7 नवंबर हो गया, वो 7 नवंबर हो गया था, बट 31 अक्टूबर को आपका जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रहा था, सो उसी को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। देन इंटरनेट टेररिज्म, सो जैसे इंटरनेट टेररिज्म, जैसे सोनी के साथ एक बार हुआ था, उसमें कुछ लीगल फंसे थे वो लोग, एंड देन पूरे कंपनी डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम। मीन्स डिस्ट्रॉय इन द सेंस उसका गुडविल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, उसका रेपुटेशन थोड़ा बहुत कम हो गया था। देन लॉजिक बम, लॉजिक बम मीन्स आपने उसमें कुछ प्री डिटरमाइंड कंडीशन लगा दिया कि अगर ये चीज़ होगा तो
तो फिर मीन्स सपोज आपने लिख दिया कि अगर इसने ये यहाँ पर आके एंटर किया तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा. सो इस टाइप के लॉजिक बन. आफ्टर सेटिस्फाइंग प्री डिटरमाइंड कंडीशन इट विल बी ट्रिगर्ड. देन मैस्कुरेडिंग डेट मीन्स आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप एक ऑथराइज्ड यूजर हो, उसको बोलते हैं मैस्कुरेडिंग. देन पिगी बैंकिंग, पिगी बैंकिंग मीन्स पिगी बैंकिंग मीन्स यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर बट योर फ्रेंड इज नॉट एन ऑथराइज्ड यूजर एंड आपने अपने फ्रेंड को अपने साथ ले गए. सो उसको ही बोलते हैं पिगी बैगिंग. जैसे आप देखोगे अगर आप मेट्रो पे ट्रैवल करते हो, मेट्रो में आप उसमें कॉइन डालोगे एंड एक जन पास हो सकता है. सो अगर सपोज आपने वो वहाँ पर वो कॉइन डाल दिया एंड आपके साथ सट सट के एक और आपका फ्रेंड पास हो गया, सो उसे बोलते हैं पिगी बैगिंग. वेन लेजिमेट यूजर विल कैरी इनलेजिमेट यूजर. देन राउंड डाउन, राउंड डाउन एक बार बैंक के साथ हुआ था. बैंक ने एक कोई बैंक था उसने उसके सिस्टम में कुछ एरर था. उसने सिस्टम में ऐसा किया था कि जो भी आपके 10 पैसा 20 पैसा इस तरह के जो भी फिगर्स है वो ट्रांसफ़र होकर एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो इससे यूजर्स को तो कुछ जो भी आपके बैंक के जो भी कस्टमर, सो 10 20 पैसे करके एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रहे थे एंड जो भी कस्टमर से आपके उसको 10 20 पैसे के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैंक को कंप्लेन नहीं करेगा. बट जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रहे थे इतने सारे कस्टमर से सबके 10 20 पैसे करके जोड़ जोड़ के, तो एक लार्ज अमाउंट ह्यूज अमाउंट बन जा रहा था. सो वो हो गया आपका राउंड राउंड डाउन. देन स्कैवेजिंग, स्कैवेंजिंग मतलब जो आपके पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबको खोज खोज के इन्फॉर्मेशन निकालना. गेनिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाई सर्चिंग कॉरपोरेट रिकॉर्ड्स, जो आपके कॉरपोरेट रिकॉर्ड है उसको खोज खोज के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना. सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग मीन्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन. इट इज़ अ ट्रैक ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन निकालना. सुपर जैपिंग, रेगुलर सिस्टम विंडोज टू परफॉर्म इलीगल एक्ट्स, बाईपास रेगुलर सिस्टम, ये जो भी रेगुलर सिस्टम है उसको तोड़ के इलीगल एक्ट्स करता है. फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का ऑथराइज नहीं है आपको बट स्टिल वो एक्सेस दे रहा है. सो देन ट्रैप डोर, ट्रैप डोर मीन्स जैसे आप एग्जाम्पल आपको दे रहे टैली का. सो टैली में मैंने एक टैली कंपनी बनाया उसमें कुछ पासवर्ड रखा था, आपने उस पासवर्ड को हैक करके आपको पासवर्ड पता चल गया. अब आपने क्या किया उसमें और 2 3 यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स बना दिए. सो अगर मैं अपने पासवर्ड चेंज भी कर देता हूँ तो आपके पास दूसरे यूज़र नेम एंड पासवर्ड है जिसके थ्रू आप मेरे टैली को एक्सेस कर सकते हो. सो डैट मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट को हैक किए थे तभी आपने 2 3 रास्ते बना दिए थे जिसके थ्रू आप दोबारा मेरे मीन्स एक्सेस कर सकते हो, दोबारा मेरे सिस्टम पे आप एक्सेस कर सकते हो. सो डैट इज़ ट्रैप डोर. देन फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उसके इम्पैक्ट क्या है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों हम लोग इतना पढ़ रहे हैं. सो सबसे पहले तो हमें रुपए का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस होगा. देन सेकेंड रेपुटेशन, अगर सपोज देन लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज सपोज हमने कुछ गलत रिटर्न भर दिया या फिर हम रिटर्न टाइमली नहीं भर पाए. अगर डेटा हमारा पूरा चला गया, डिलीट हो गया, हमें दोबारा काम करना पड़ा उस पर. लॉस ऑफ कम्पिटिटिव एज, हमारे कम्पिटिटर्स को उससे फ़ायदा होगा, लॉस ऑफ कम्पिटिटिव एज. डिस्क्लोजर ऑफ कम्पिटिटिव एज, सेबोटेज, दीज आर थिंग्स. देन फिर है हमारा इशूजेज रिलेटेड टू लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. सो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, टेक्निकल एक्सपोजर्स, एसिंक्रोनस एक्सपोजर, लॉस और इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर्स. सो इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं. टेक्निकल एक्सपोजर्स, वॉर्म्स, वॉर्म्स 2 तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव. सो डिस्ट्रक्टिव मतलब आपका वायरस ये सब हो गया, डिस्ट्रक्टिव कोड जो कि आपके डाटा को डिलीट कर देता है. कंस्ट्रक्टिव मीन्स एक ही चीज़ को 10 बार वो रिपीट कर देगा. देन ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स जैसे आप देखोगे कि अगर आप वेबसाइट में मीन्स अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो बट उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ 2 3 और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जा रहे हो जो कि आपने नहीं किया था, वो हो गया आपका ट्रोजन हॉर्स. देन राउंड डाउन जैसे मैंने अभी बताया था, डाटा डिडलिंग, डाटा एक्सचेंज बिफोर और आफ्टर इंटर इंटू सिस्टम. देन बॉम्ब, बॉम्ब 2 तरह के होते हैं, लॉजिक बॉम्ब मैंने ऑलरेडी बोल चुका, टाइम बॉम्ब. टाइम बॉम्ब मीन्स मैं सेट कर दिया 10 दिन के बाद ये होगा तो टाइम बॉम्ब हो गया,
इट विल ट्रिगर ऑन स्पेसिफिक टाइम, लॉजिक में इट विल इट विल ट्रिगर आफ्टर व्हेन प्री डिटरमाइंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एंड ट्रैप डोर, वही जो मैंने बोला था ट्रैप डोर की उसने दो तीन जगह और बना दिया एंटर करने का, फर्स्ट हैक चिप कर लिया उसके बाद दो तीन जगह और बना दिया। सलामी टेक्निक्स, नाउ सलामी टेक्निक्स एंड राउंड डाउन, दिस बोथ आर सिमिलर। राउंड डाउन में हम क्या करते हैं कि जैसे लास्ट फिगर है 0.20, 0.29, सो जो सेकेंड डेसिमल प्लेस है उसको वो ज़ीरो कर देता है। जैसे 0.29 को भी 0.20 हो जाएगा, 0.24 को भी 0.20 हो जाएगा, बट सलामी टेक्निक्स में हम लोग कर दिए कि पॉइंट कि 10 पैसे सबसे कम होगा। सो वो ये नहीं देखेगा कि फिगर क्या है, जो भी फिगर है उसे 10 पैसा कम कर देगा। सो सलामी टेक्निक्स एक फिक्स्ड अमाउंट को ट्रांसफ़र करता है, एंड राउंड डाउन, राउंड डाउन मीन्स वो लास्ट का जो फिगर है वो राउंड डाउन जैसे है। देन एसिंक्रोनस में पिगी बैकिंग जो बताया था, डाटा लीकेज, सो लीकेज ऑफ डाटा पता ही है आपको, डाटा लीक हो रहा है एंड जिसको ऑथराइज एक्सेस नहीं है उसको डाटा मिल जा रहा है, वो अपने USB पेन ड्राइव से में कॉपी कर ले रहा है। सो वायर टैपिंग, सो वायर टैपिंग में एव टैपिंग मीन्स वो जो बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं उसी तरह का वायर टैपिंग। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे मैंने ICA का एग्जाम्पल दिया था। देन व्हाट आर द लॉस और इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सपोजर्स, उसके थर्ड पॉइंट है लॉस और इम्पैक्ट्स, फाइनेंशियल लॉस जो मैंने बताया, लीगल इश्यूज, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ब्लैकमेल, कोई आपके डाटा को चोरी करके फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सेबोटेज, सेबोटेज मीन्स दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल गेम बट स्टिल दे आर डूइंग इट, जिससे किसी को बदला लेना है आपसे, तो वो सब। स्पूफिंग मीन्स फॉर्जिंग वंस सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस को ही आपका फॉर्ज करके, वो भी है। देन व्हाट आर द रीजन फॉर पब्लिक एक्सेस वायोलेशन, एब्यूज ऑफ डाटा, एम्बेजलमेंट, ब्लैकमेलिंग, डैमेज, थेफ्ट, पब्लिक डिस्क्लोजर, सो ऑल दिस आर सेम, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सो अब ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर ख़त्म हो गए, तो अब हम आपको कुछ मेनिमोनिक कोड्स दे देते हैं जिससे आपको याद करने में इजी होगा या फिर रिवाइज करने में इजी होगा। सो याद तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, बट मेनिमोनिक टेक्निक इसलिए होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में कोई एक दो पॉइंट भूल जा रहे हो, सो अगर आपको उसका फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर भी याद होता है तो आप थोड़ा सोच के आपको याद आ जाता है। इसका यूज़ सिर्फ उतना ही है कि आपको वो याद आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये मेमोरी कोड याद कर लोगे तो उसी से आप आंसर लिख दोगे। आंसर्स तो आपको याद करना ही है, मेमोरी कोड सिर्फ आपको हेल्प करेगा अगर आप कुछ पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक करने के लिए। सो लॉजिकल एक्सेस इश्यूज एंड एक्सपोजर्स, ये हम लोग ने देखा था। सो इसका आप मेमोरी कोड लिख सकते हैं एडल्ट स्पॉट, एडल्ट स्पॉट, ए फॉर एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, डी फॉर डाटा, यू फॉर यूटिलिटीज, एल फॉर लाइब्रेरीज, टी फॉर टिप फाइल्स, एस फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, पी फॉर पासवर्ड लाइब्रेरी, ओ फॉर ऑपरेटर सिस्टम्स एग्जिस्ट, टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, एंड ए फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटा डिक्शनरी, डायलप लाइन्स, लॉगिंग फाइल्स, टेम्प्रेरी डिस्क फाइल। सो ये सब इसके पॉइंट्स हैं। देन अभी हम लोग जो लास्ट पॉइंट देखा था, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ लॉस और इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर्स, लॉसेज और इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर्स फॉर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल या फिर रीजंस ऑफ फिजिकल एक्सेस वायोलेशन। सो इसका मेमोरी कोड है फाइल्स, सिंपली FILES, एफ फॉर फाइनेंशियल लॉस, आई फॉर इंडस्ट्रियल स्पियोनेज मीन्स ब्लैकमेल, एल फॉर लीगल रिपरकशंस, लीगल इशूज, देन एल का एक और है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कम्पिटिटिव एडवांटेज, ई फॉर एम्बेरेसिंग इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन, एस फॉर सेबोटेज और स्पूफिंग। अभी आता है ये लॉजिकल एक्सेस को वायलेट कौन करता है, हु आर द लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, तो IT के कुछ पर्सनल हो सकते हैं, IS पर्सनल, या फिर जो पुराने आपके एम्प्लॉयज़ हैं
जो छोड़ दिए थे या फिर जिसको आपने निकाल दिया एंड वो आपको बदला लेना चाहते हो, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, फॉरेनर्स, इंटरेस्टेड एजुकेटेड आउटसाइडर्स, हैकर्स, या फिर अगर आपने किसी को इग्नोर कर दिया वो बदला लेना चाह रहे हैं, एक्सीडेंट, इग्नोरेंट, वेंडर्स, कंसल्टेंट्स, एंड यूजर्स, इम्प्लॉयज़, क्रैकर्स, कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, या फिर आपके पार्ट टाइम और टेम्प्ररी इम्प्लॉयज़। सो इसका भी मेमोरी कोड है आई हैव, इफ आई हैव कॉप, सो वायलेटर्स को कॉप पकड़ेगा। सो इफ आई हैव कॉप लॉजिकल एक्सेस विल नॉट बी वायलेटेड, और इफ आई हैव कॉप लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स विल बी कैच्ड इफ आई हैव कॉप। इफ आई, आई एस पर्सनल, एफ फॉर्मर एम्प्लॉयज, देन अगेन सेकेंड आई इंटरेस्टेड और एजुकेटेड आउटसाइडर्स, एच हैकर्स, ए एक्सीडेंटल इग्नोरेंट, वी वेंडर्स, ई एंड यूजर्स, सी कंपिटिटर्स, ओ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, एंड पी पार्ट टाइम और टेम्प्रेरी पर्सनल। इफ आई हैव कॉप वायलेटर्स विल बी अरेस्टेड, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स इफ आई हैव कॉप। देन अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, जो हम लोग ने इसके इफेक्ट्स देखे थे फिजिकल एक्सेस वायलेशन के, जो इफेक्ट्स, सो इसके इफेक्ट्स क्या है, बी अ डम, बी ब्लैकमेल, ई एम्बेजलमेंट, ए एब्यूज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, डी डैमेज, यू अनऑथेंटिकेटेड एंट्री, एम मॉडिफिकेशन, पी पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिकली जो भी हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थे जिसे डिस्क्लोज नहीं करना था पब्लिक में, उसकी डिस्क्लोजर। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स मैंने बताया था तीन इन्फॉर्मेशन, एक टॉप पॉलिसीज जो बनाते हैं, एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हो गया, एक बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, एक फाइनेंशियल वाला हो गया। सो यहाँ जो टॉप वाला है वो इन्फॉर्मेशन, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सेमेस्टर इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, अनऑथेंटिकेटेड एंट्री, डैमेज और थेफ्ट, एब्यूज, एम्बेजलमेंट, ब्लैकमेल। इसका क्या है, बी अ डम। इफ यू बी अ डम देन यू विल हैव टू फेस द इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ फिजिकल एक्सेस पाथ। सो अगर आप वायलेशन ऑफ फिजिकल एक्सेस पाथ का इफेक्ट आपको हो रहा है, दैट मीन्स बी अ डम, यू आर अ डम। सो बी अ डम टू हैव इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ फिजिकल एक्सेस पाथ्स। देन एम्प्लॉयज क्यों करता है, एम्प्लॉयज अगर आपने उसे निकाल दिया है, डिसकंटेंटेड, ऑन स्ट्राइक पे अगर आपने थ्रेटन कर दिया है कि सो, या फिर अगर आपने उसे बोल दिया है कि, नोटिस दे दिया है कि आपको 1 महीना बाद छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपने कभी उसे इग्नोर कर दिया, या फिर उसे जुए ये सब की आदत हो गई एंड देन उसे रुपया चाहिए इसलिए, या फिर आपके पुराने एम्प्लॉयज़, या फिर फैमिली प्रेशर रुपये का, सो वो सब है। सो फिजिकल एक्सेस वायलेशन बाई एम्प्लॉयज, फाइन डॉट, ए एक्सीडेंट इग्नोरेंट और एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, फॉर्मर एम्प्लॉय, इंटरेस्टेड और इन्फॉर्म आउटसाइडर सच एज कंपिटिटर्स, नोटिफाइड फॉर द एंड फॉर नोटिफाइड फॉर द टर्मिनेशन, एक्सपीरियंस ई फॉर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल इमोशनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसलिए वो चोरी कर रहा है, या आपका इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को देकर उससे रुपये ले रहा है, या फिर स्ट्राइक थ्रेटन। देन फिर है आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन मेन, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करनी है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूम, मिनी कंप्यूटर एस्टेब्लिशमेंट, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ऑन साइट, रिमोट प्रिंटर्स, प्रोग्रामिंग एरिया, पावर सोर्सेज, स्टोरेज रूम। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन फिर हम लोगों ने इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स पढ़ा था, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फायर, वाटर, डस्ट, देन और अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रही है तो उसके लिए भी मेमोरी कोड है न्यू बेयर पीडीएफ, न्यू बेयर पीडीएफ ऑन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, न्यू बेयर पीडीएफ लाइक न्यू बेयर एक्ट, न्यू बेयर पीडीएफ, न्यू बेयर पीडीएफ ऑन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स। सो एन फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल सर्जेस, डब्ल्यू वाटर डैमेज,
बी बॉम्ब अटैक, टेररिस्ट ने बॉम्ब अटैक कर दिया। सो ए फॉर एयर कंडीशनिंग फेलियर, आर फॉर एयर कंडीशनिंग फेलियर, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्यों। सो कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, अगर उसे एसी के टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसे -2 डिग्री, -5 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर में रखना पड़ता है। एंड अगर उस रूम का एसी ख़राब हो गया तो फिर चांसेस है कि आपके जो सर्वर है वो भी ख़राब हो जाएंगे। सो एयर कंडीशनिंग फेलियर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, पावर स्पाइक्स, आपके वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। सो उसमें बहुत बार आप देखते हो आपका आपके घर के भी वो सर्किट उड़ जाते हैं। सो उस टाइप के पावर स्पाइक्स, डस्ट, स्मोक, फायर। सो दैट्स ऑल गाइस, इट वाज चैप्टर 3, एंड चैप्टर 8 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। एंड चैप्टर 3 का एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन नहीं था, बट एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, 2-3 मैसेजेस आए थे मेरे पास चैप्टर 3 के, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। सो इसीलिए मैंने इसे अपलोड किया है, होप आपको पसंद आया होगा। सो डू कमेंट इट, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरी अच्छी से चैप्टर 3 की तैयारी नहीं थी। स्टिल परसों आपके एग्ज़ाम्स है एंड कुछ फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट के कारण मुझे करना पड़ा। अगर मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स छूट गए हो या कुछ गलत बता दिया, सो सॉरी फॉर दैट, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम्स, डू वेल। एंड या बिफोर गोइंग आई विल लाइक टू गिव यू सजेशंस, कि जैसे आप एग्ज़ाम्स में कुछ भी अटेम्प्ट करते हो, कोई भी पेपर हो, वेदर इट्स प्रैक्टिकल पेपर और वेदर इट्स थ्योरी पेपर, सो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो जब आपको पेपर बचा के अपने घर नहीं लेके जाना है। सो पेपर में आप कंजूसी मत कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तो उसके बाद आप एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपके आधा पेज बचती है तो फिर उसको छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से करना स्टार्ट कर दीजिए। बट आपने 3/4 तक भर दिया तो फिर आप नेक्स्ट पेज को अपना ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंड एक पेज छोड़ के उसके बाद से आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो डैट जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए तो आपके पास जो टाइम बचता है, तो उस टाइम में आप उसको अलग से, आपका अगर कुछ छूट गया है, कुछ पॉइंट्स आपको अलग से याद आ रहा है, या फिर आपने टाइम नहीं था तो आपने जल्दी जल्दी में उतना लिखा, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपके पास जगह होगा तो अगर आप बाद में या फिर देखते हो कुछ आपने गलत लिख दिया, तो आप काट के उसको वहीं पर नीचे भी लिख सकते हो। सो एक तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, एंड सेकेंड थिंग आपका अगर कुछ मिस हो गया तो फिर आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। एंड जैसे एडवांस मैनेजमेंट के पेपर 5 आज के बहुत लेंदी पेपर है, अगर सपोज इस टाइप के कुछ लेंदी पेपर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट जितना आपको आता है उतना ही लिखना है। एक क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो उसको आप सोचने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, उसको आप सोचने में अगर टाइम लगाएंगे तो आपका छूट जाएगा, एंड देन जो आपको आता है वो भी आप नहीं लिख पाओगे। सो आपको जो जो आता है वो आप एक बार लिख लीजिए, एंड सपोज अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं किया तो उसके लिए आप अपना जगह छोड़ दीजिए, एंड आप ऑलरेडी एक पेज तो छोड़ रहे हो या फिर हाफ पेज तो छोड़ रहे हो, तो आप वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सो जितना आता है आप एक बार उतना ही लिखिए फटाफट, एंड हर क्वेश्चन के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। सो इस तरह से आप प्रॉपरली टाइम मैनेज भी कर सकते हो, पेपर भी कंप्लीट कर सकते हो, एंड प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा रहेगा। सो आपका पेपर थोड़ा स्कोरिंग हो जाएगा, मार्क्स अच्छे रहेंगे। अगर आपका पेपर देखने में अच्छा रहता है, सो एग्जामिनेशन एग्जामिनर जो है वो मार्क्स भी अच्छे से देता है। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज।